वेलकम टू सुपर फर्स्ट इंग्लिश अकेडमी दोस्तों, आप जो देखिए आपका अगर यूपी टेट का एग्जामिनेशन आ रहा है या फिर वो एमपी टेट का आने वाला है कुछ टाइम के बाद, तो देखिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर आप इंग्लिश के वीडियोज़ आपने बहुत कम बना रखे हैं। देखिए सिर्फ देखने का और सोचने का तरीका है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको थंबनेल पर ये लिखा हुआ है कि वो यूपी टेट का इंग्लिश है तो अपन लोग क्या है कि बस वही देखते हैं। अगर उस पर लिखा है एयरफोर्स का इंग्लिश है तो आप उसे नहीं देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपका यूपी टेट का पेपर है चाहे वो एमपी टेट का टैट किसी से रिलेटेड हो, अगर जिस भी एग्जाम में इंग्लिश आता है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा टफ नहीं होते, ज़्यादा हाई नहीं होते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट उसमें इंग्लिश नहीं आता। बस आपके ज्ञान को देखा जाता है कि इंग्लिश के क्षेत्र में, इंग्लिश के एरिया में आपका लेवल कितना है, आप इंग्लिश जानते हैं या फिर नहीं जानते। तो देखिए आपके जितने भी अगर पेपर, अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके जो कमेंट आता है उसके कमेंट के बेसिस पर ही मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, मैं अभी आपको जो भी बताने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपका इंग्लिश का कमज़ोर सेक्शन है तो आप सभी का, यानी बहुत सारे पेपर्स मैंने डाउनलोड करा रखे हैं, वहाँ पर सॉल्व भी करा रखे हैं, तो आप आराम से उनको देखिएगा, फॉलो करिएगा। मुश्किल से यदि आप उसे कंटिन्यू बैक टू बैक देखते रहेंगे तो मुश्किल से मुझे लग रहा है कि आप एक दिन के अंदर उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, और आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है वो इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा क्योंकि मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आप लोग फॉलो करते हैं इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपको भी इन्फॉर्म किया जाए कि आप और भी जानते कि इंग्लिश के कॉन्सेप्ट होते हैं, उनका ये मतलब नहीं है कि वो नेवी में आएंगे, एयरफोर्स एनडीए में आएंगे या फिर एसएससी सीजीएल में आएंगे, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। देखिए इंग्लिश के वही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बस उनका जो लेवल होता है वो हाई और कम होता है। देखिए अगर मैं बात करूँ कल से जितने वीडियोस मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी देखिए स्पेशली एयरफोर्स का कोई बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो जितने भी वीडियो मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सबके सब टैट से रिलेटेड आ रहे हैं। यानी कि जितना भी मैं बेसिक आपको समझा रहा हूँ, हाई लेवल भी समझा रहा हूँ, वो सिर्फ टैट को देखते हुए और आगे वाले आने वाले एग्जाम्स को भी देखते हुए उनको समझाया जा रहा है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि कॉन्सेप्ट कैसा रहने वाला है, कॉन्सेप्ट इजी रहने वाला है, बस उसको समझाने का एक तरीका होना चाहिए जो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो बाकी बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप तो बहुत परेशान रहते हैं कि राम सर आपने वीडियोस नहीं दिए। देखिए मेरे दोस्त अभी तो मैं आया हूँ टेट के क्षेत्र में, तो आपको मैं बहुत कम टाइम है अभी हमारे पास, तो बहुत जल्दी बहुत सारा काम करना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, यदि आप बहुत सारी वीडियोस यदि मेरी देखना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना। आप अगर कोई भी ग्रामर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो देखिए प्लेलिस्ट में बेसिक ग्रामर का भी वहाँ पर प्लेलिस्ट दे रखा है, उसमें बहुत सारी वीडियोस दे रखी है बेसिक ग्रामर की, वहाँ से आप सीख सकते हैं। यदि आप कोई भी कंजंक्शन हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर आप चाहते हैं कि राम सर के माध्यम से वो मैं सीखूँ, तो आप सर्च कर लीजिए ना सर्च बार में कुछ भी, कभी भी अगर आपको चैनल नाम याद नहीं रहता राम सर सर्च कर लेना। यदि आपको कंजंक्शन की वीडियोज़ चाहिए, सिंटैक्स की वीडियोज़, टेंस की वीडियोज़, एक्टिव पैसिव सिर्फ लिखो और बाद में लिख दो राम सर, तो उसमें बेसिकली मेरी वीडियोस आ जाएगी। अब देखिए अब आपको करना क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर देख लीजिए। तो देखिए आप आ सकते हैं राम सर सर्च करने के बाद, सिर्फ मैंने राम सर सर्च किया और देखो यहाँ पर मेरा चैनल निकल के आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसे टच करना है और इसके बाद मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ जिसको अभी से आप उन्हें पढ़ने लग जाइए। आपकी इंग्लिश की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ट्रस्ट करिए आपका इंग्लिश का पेपर बहुत मस्त जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ डेली वीडियोज आपको यहाँ से अपडेट हो जाती हैं आप, और यहाँ पर देखिए प्लेलिस्ट जो दे रखा है उसको आप एक बार टच कर लीजिएगा। जब आप प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो देखो यहाँ पर नेवी के इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है, इनको आप नंबर वाई नंबर देख लीजिएगा। इसके बाद देखो टेट का स्पेशली यहाँ पर प्लेलिस्ट दे रखा है, इसमें भी मैंने 5-6 वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है। इधर एयरफोर्स की यहाँ पर वीडियोस मैंने दे रखी हैं, और देखिए बेसिक ग्रामर यहाँ से आप हर एक कंजंक्शन, एक्टिव पैसिव, टेंस वगैरह, तो वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और टाइम टाइम पर आपको मोटिवेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। अगर हम बात करें तो देखिए एयरफोर्स के लिए स्पेशली यहाँ पर 120 वीडियोस दे रखी हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो आपके एग्जाम में आने लायक होते हैं, उनका आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा करना है, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कल से और भी ज़्यादा डीपली समझाने का, आज का जो मैंने डीपली समझाया था तो वो काफ़ी अच्छे कमेंट आए थे, सर आप और डीपली समझा दीजिए। चिंता मत करो, मैं इतना समझा सकता हूँ कि एक क्वेश्चन पर मैं 10 मिनट खर्च कर सकता हूँ, 10 मिनट भी 10 नए ज्ञान दे सकता हूँ, तो उसकी नॉलेज की बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, नॉलेज आपको बहुत सारी दे सकता हूँ, तो चिंता मत करें। यदि आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी कमेंट को रीड करूँगा। टाइम नहीं मिलता तो लव का साइन यदि मिल जाता है तो आप समझ लीजिए राम सिंह ने आपका कमेंट को रीड कर लिया है और वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए टेट वाले स्टूडेंट, अगर हम आज सुन रहे हो तो देखिए प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, वहाँ पर इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपका इंग्लिश का सेक्शन एकदम मज़ेदार हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें कि राम सर की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से इंग्लिश एकदम सटीक और सही तरीके से आप उस इंग्लिश को सीख सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।